दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे देश में जो ये लॉकडाउन या फिर कोविड 19 की वजह से जो क्राइसिस चल रहा है लोन ईएमआई के ऊपर और फाइनेंशियल डाटा के ऊपर, इसके ऊपर आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। और अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो आप एक्चुअली में चौंक जाओगे कि आरबीआई करने क्या जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर श्री एमडी पात्रा का अभी फाइनेंशियल क्राइसिस और ईएमआई के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके अंदर डिप्टी गवर्नर साहब ने बोला है कि जो हमारे देश में अभी क्राइसिस हुए हैं, क्राइसिस तो हुए हैं लेकिन बहुत ही कम हुए हैं, जो पहले लॉकडाउन में हुए थे उससे बहुत ज्यादा कम क्राइसिस हुए हैं, और उसके ऊपर बहुत ही जल्दी जो रिकवरी का काम है वो चल रहा है, और जो हमारा देश है इस पूरे लॉकडाउन को संभाल लेगा, लोग जल्दी ही उनकी जो लोन ईएमआई की पेमेंट है स्टार्ट कर देंगे। और आगे इन्होंने कहा कि जो अभी बहुत सारे सेक्टर काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी है, ई कॉमर्स है, डिजिटल पेमेंट है, एग्रीकल्चर है, आईटी बहुत मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, यानी कि लोगों का अभी कामकाज चल रहा है। और एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जो स्टेटमेंट आई है क्यों आई है, क्योंकि ये ऑन द बेस्ड आई है जो क्वार्टरली रिजल्ट आरबीआई की तरफ से जो बैंकों ने जो अभी डिक्लेयर किए थे। अगर आपको जानते हो तो पीछे ही कुछ महीने पहले यानी मार्च के एंड में सभी बैंकों के जो है क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जिसके अंदर आप डाटा चौंक जाओगे, जो फेडरल बैंक है उसने 478 करोड़ रुपए का बेनिफिट शो किया था, उसके बाद केनरा बैंक है उसने 1010 करोड़ रुपए का, इंडसइंड बैंक का 876 करोड़ रुपए का, और एक्सिस बैंक का 2677 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन सभी बैंकों ने शो किया था। आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि जब बैंकों के जो प्रॉफिट आ रहे हैं मार्च के क्वार्टर एंडिंग में, अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा यानी अप्रैल मई जून के लास्ट में, तो इसमें भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि ये जो बैंक है आगे भी उनका जो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बढ़ क्यों रहा है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी है कि जो लोगों ने लोन ईएमआई एक्चुअली ले रखा है, अगर हम इस नेट प्रॉफिट में से अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रखा है इंटरेस्ट का ऊपर, यानी कि बहुत सारे लोगों ने लोन ले रखा है उसके ऊपर जो एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट है उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, और उसके अंदर भी जो पेनल्टी चार्जेस लगाए गए हैं लोगों या ब्रोवर के ऊपर, यानी बैंकों की तो इधर मौज होगी, अगर लोन ईएमआई पेमेंट करते हो तो बैंकों की फिर भी मौज है, और अगर नहीं पेमेंट कर रहे हो फिर भी मौज है, क्योंकि पेनल्टी लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसके अंदर भी सभी बैंकों की जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और हमारे देश की जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो भी कंटिन्यू बढ़ेगी, और आगे भी जो बैंक है, बैंकों के जो लोन है वो जो जितने भी लोग हैं वो कंटिन्यू पेमेंट करेंगे। लेकिन मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो दूसरे हमारे गवर्नर है या जो फाइनेंशियली एडवाइजर है देश के, चलो बैंकों ने प्रॉफिट कमा लिया, देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुधर रही है आरबीआई के अनुसार, लेकिन जो ये लोग इधर ईस्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं इनकी कितनी आर्थिक व्यवस्था सुधरगी, और जो ये साइड में दिखाई दे रहे हैं इनका तो पूरा ही कामकाज बैठ गया, लोग कितने माइग्रेंट हो रहे हैं अगर इस साइड भी आप लोग देख रहे होंगे, तो क्या एक्चुअली में अगर हम उन ऊपर वालों को छोड़ देते हैं, बैंकों को छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट इंप्लॉय को अगर हम साइड में करते हैं, तो बाकी बचे हुए जो लोग हैं जो इस तरह से माइग्रेंट होकर जगह जगह घूम रहे हैं, जिनकी लोन ईएमआई एक रुपया भी पेमेंट नहीं कर पा रही, एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन लोगों को कितना बेनिफिट हुआ और इनका नेट प्रॉफिट कितना बड़ा है, अगर हम डाटा की बात करते हैं एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड, जो हमारे देश की जो और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बहुत सारी है जो डाटा प्रोड्यूस करती है, सभी क्रेडिट एजेंसियों का मानना है कि जो पहले लॉकडाउन में क्राइसिस हुआ था उससे ज्यादा क्राइसिस अभी हो रहा है, क्योंकि पहले लॉकडाउन में क्या था, जो कोरोना आया था उसमें डेथ केस बहुत कम थे, लेकिन जो सेकंड आया है ये जो उससे भी ज्यादा हानिकारक है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इफेक्टेड कर रहा है लोगों को, इसमें डेथ रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्राइसिस और भी बढ़ रखे हैं। तो अगर हम कुछ फील्ड को छोड़ देते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, उसके अलावा और कौन से सेक्टर इस सेकेंड लॉकडाउन में काम करे, जबकि आरबीआई बोल रहा है भाई बढ़ रही है व्यवस्था, लेकिन जो दूसरी क्रेडिट एजेंसी है उनका मानना है कि जो सेकेंड कोविड है वो और भी ज्यादा क्राइसिस ला रखा पहले की अपेक्षा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल हैं या फिर जो डिप्टी गवर्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उन चचा से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप स्टेटमेंट दो, लेकिन सिर्फ बैंकों के बिहाफ में मत दो कि बैंकों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को देखकर आप पूरा का पूरा डाटा प्रोड्यूस करो, जो सराउंडिंग हमारे देश में हो रहा है, जो हर जगह से लोग जो माइग्रेंट कर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है, बैंकों का जो बर्डन है कंटिन्यू उनके पर बढ़ता हुआ जा रहा है, जो लोगों ने होम लोन ले रखे थे उनको बैंकों के नोटिस जा रहे हैं, जिन लोगों ने लोन ईएमआई ले रखी थी उनके ऊपर दबा के प्रेशराइज किया जा रहा रिकवरी एजेंटों का, आप उनको भी देखते हुए अपना डाटा प्रोड्यूस करो, या फिर कोई रिलीफ ऑफ इंडिया को लग रहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था अगर ऊपर जा रही है उठ रही है तो अच्छी बात है, तो इन लोगों को तो रिलीफ दे दो, जब बैंकों के पास इतना नेट प्रॉफिट है तो वो नेट प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट तो इधर दे सकते हैं, लोन ईएमआई पे रिलीफ दे सकते हैं। तो काइंडली दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप जरूर
शेयर कीजिएगा ताकि आगे सबको पता लग सके कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। आरबीआई की ये ऑफिशियल रिपोर्ट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।